कि संगीत को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। संगीत को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। और पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता, भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। बोलिए सच्चे दरबार की, कि जगदम्बा घर ने दिया रारा, अरे बार नहीं मैया जी के आरती। आप लोगों के लिए मैं आ रही हूं नीचे, आप लोग साथ में गाएंगे ना। सबसे पहले चाची से शुरुआत, कि जगदम्बा घर ने स्केल भटक गए आप लोग। हाँ, स्केल भटका देंगे चाचा, इतना सुर में गा रही है। कि जगदम्बा घर ने मैं वहां तो नहीं आ सकती हूँ, इतनी गैदरिंग है, लेकिन यहीं से आप लोग। अरे मैया जी के आरती, मैया जी के आरती उतार रही बेचारा पैर लगे ना, उसको उठा दीजिए। आपका बच्चा है, उसको गोद में सुलाइए ना, इसे पैर लग रहा है। अरे सोने की थाली में घी के बाती। अच्छा, मेरी इतनी प्यारी बहन है, इतना अच्छा साथ दे रही है। मैं जब से गा रही हूँ, ये शुरुआत से जो गा रही है, तालियां बजा रही है, अकेले इस लड़की ने इतना हौसला अफजाई किया है मेरा, इतना मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। और आपके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सोने की थाली में घी के बाती मैया जी आज के जमाने के जो बच्चे हैं, आजकल की जो लड़कियां हैं, मैं भी आजकल की हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे गीत किसी को याद नहीं है। आजकल की लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि हम तैसा सूजी के झगुरा कबार I'm not afraid.
पचरा है जिसपे सबसे ज्यादा माता रानी खुश होती है, पचरा सबसे। तो जो लोग माता रानी को खुश करने के लिए आए हैं वो तालियां बजाएंगे और साथ में गाएंगे क्या उसकी माँ को बहुत बुरा लगेगा। वो माँ क्या कह रही है कि माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, बेटा कितनी भी बड़ी गलती करे माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, माँ उसके लिए कुछ भी करेगी। किया रे रो माता रे सोना ना ना वो हो We'll be right back.
राजा जी आए हैं। तो अभी मैं आपके लिए लास्ट ये गाना आपके लिए सुनाना चाहती हूँ। आप लोग साथ में गाएंगे ना? साथ में गाएंगे तब मैं गाऊंगी। एक आपके लिए हमारी चाची लोग इतना देर से एंजॉय कर रही हैं, इतना साथ दे रही हैं, बिल्कुल भी नहीं थक रही हैं। तो आपके लिए एक भजन, उसके बाद फिर एक पचरा गा के हमारे बीच बिकी राजा जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपके बीच आएंगे और आप लोगों को बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे। डिंपल जी, जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी यहाँ पर बैठे हैं। आप कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं भाई? आदरणीय हमारे बड़े भैया अच्छा, अमित शर्मा जी जो कि मसौढ़ी से हैं और बहुत ही अच्छा झाल भी बजाते हैं। इनका बेटा तबला बजाता है, इनका भाई तबला बजाता है, लड़का तबला बजाता है और कलाकार से जुड़े हैं, बहुत सारा कार्यक्रम किए हैं। बगल में इनका गांव है तो हम लोग का कार्यक्रम देखने आ गए। ये ढोलक वाले अनिकेत भैया पे खुश हो गए, 101 रुपये से नवाजे हैं। एक तालियां बजा के सम्मान बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ढोलक बजा दिया।